ये जो वीडियो में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है यूपी के बरेली जनपद के मीरगंज तहसील में मौजूद एसडीएम कार्यालय की। आरोप है कि मीरगंज के एसडीएम उदित पवार ने उनके पास आए एक फरियादी को अपने ऑफिस में ही मुर्गा बना दिया। इसके बाद जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एसडीएम साहब पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अब एसडीएम ने भी अपनी सफाई पेश की है। 6 लोग आए थे मन्नतपुर गांव से, जिसमें से एक आदमी जो था वो घुसते ही मेरे सामने आके मुर्गा बन गया। और मैंने उससे बोला कि आप मतलब मुर्गा क्यों बने हुआ, मैंने बाकी लोग जो आए थे गांव से उनको बोला कि इसको वहाँ से उठाइए। इतने में ही शायद कोई आदमी जो था जो पीछे था जो वीडियो बना रहा था, और जब तक मेरे को ये पता चलता वो वीडियो बना के वहाँ से निकल गया था। उसके बाद मैंने उनकी शिकायतें सुनी, उनके निस्तारण करने के लिए मैंने लेखपाल को भी वहीं पर फ़ोन करके बोला। तो जो भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैंने उस आदमी को मुर्गा बनाया, वो गलत। भले ही एसडीएम साहब अपनी सफाई दे रहे हो, लेकिन जनपद के जिलाधिकारी उन्हें दोषी ही मान रहे हैं। साथ ही डीएम ने एसडीएम पर कार्रवाई करते हुए उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया है। आज एक वीडियो मेरे संज्ञान में आया, जिसमें जिलाधिकारी श्री उदित पवार के कार्यालय कक्ष में एक व्यक्ति को अपमानजनक स्थिति में जमीन पर बैठाया गया, जिसकी जाँच कराई गई। तो श्री उदित पवार उप जिलाधिकारी मीरगंज की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाई गई, इसलिए उनको तत्काल मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और नए उप जिलाधिकारी श्री देश दीपक सिंह को उप जिलाधिकारी मीरगंज के रूप में तैनात कर दिया गया है। धन्यवाद। यहां आपको बता दें कि मंडनपुर के कुछ और लोग भी इस व्यक्ति के साथ एसडीएम से मिलने पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में मिश्रित आबादी है, शमशान घाट नहीं होने से अंतिम संस्कार में कठिनाई होती है। गांव में शमशान के लिए जगह आरक्षित है, मगर दूसरे समुदाय के लोगों ने इसे कब्रिस्तान में मिला लिया है। ग्रामीणों ने पैमाइश कराकर शमशान की भूमि अलग करने की मांग की। आरोप है कि शिकायत सुनते ही एसडीएम भड़क गए, उन्होंने एक व्यक्ति को मुर्गा बना दिया। अन्य लोगों ने भी अभद्रता की। इससे नाराज ग्रामीणों ने उनके कार्यालय के बाहर नारेबाजी की है। शमशान भूमि ग्राम मंडनपुर में तहसील मीरगंज में नहीं है। मैंने प्रमाण पत्र दिया था एसडीएम साहब के लिए, एसडीएम साहब ने मुझे मुर्गा बना दिया गया। मुर्गा बनाने के बाद मैंने कहा साहब मुर्गा क्यों बना रहे हैं, गाली गलौज देने लगे। मैंने कहा साहब ये तो मैं 2 बार आपके ढाने आ चुका हूँ, 3री बार आया हूँ, मुझे न्याय नहीं मिला है। न्याय जब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं मुर्गा बनने से नहीं हटूंगा। तो कहने लगे सालों तुम नाटकें करते हो, और नाटक करने के बाद सर मैंने कहा सर ये तो नाटक नहीं कर रहे हैं, हम अपना न्याय मांगने आए हैं। हमारे ग्राम मंडनपुर में नहीं शमशान भूमि है, और शमशान भूमि हमें दी जाए। तो कहते हैं सालों तुम नाटक करने को ऐसे नाटक करते रहो। उन्होंने हमारे प्रमाण पत्र फेर दिया। शमशान भूमि की जगह है तुम्हारी वहाँ? जी मेरे पास भी मैंने खतौनी लगा रखी है, मैंने खतौनी के आधार पर उनको प्रमाण पत्र दिया है, उसमें लिखा हुआ है कि कब्रस्तान और मरघट शमशान भूमि का रकबा है। मैंने कहा साहब अगर वो कहते हैं कि कब्रस्तान दर्ज है शमशान भूमि नहीं है, मैं कहता हूँ साहब अगर शमशान भूमि नहीं है और मरघट नहीं है तो इसमें दर्ज क्यों किया जाए? तो कहते हैं ये दर्ज किए गए हैं, ये तो पहले ही से दर्ज है, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप जहाँ मर्जी चाहे हूँ जाइए। मुझसे बोले तू साले ज्यादा नेता बनता है, तू मुर्गा बन। एसडीएम साहब तहसील मीरगंज की। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप, और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन, और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।